हाय, मेरा नाम फरहान शेख है और मैं एक फिटनेस और मिक्स मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले करीब 2005 से मिक्स मार्शल आर्ट्स को फॉलो भी कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और इसमें मैंने कई सारे फाइट्स खेले भी हैं और उनको ऑफिशिएट भी किया हुआ है डिफरेंट लेवल्स पे। और मेरा डिजिग्नेशन मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA 1 फेडरेशन में एज अ नेशनल कमिश्नर एंड महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। जी, आज की जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका सबसे बड़ा मेन जो थीम है ये कि हम इस MMA 1 फेडरेशन को आज लॉन्च कर रहे हैं। ओके, और ये MMA 1 फेडरेशन एक नेशनल बॉडी है जो मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट्स को रेगुलेट करेगी और उनको ऑफिशिएट करेगी। जी बिल्कुल, MMA 1 फेडरेशन के लिए हमने बहुत तैयारी की, हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स किए, थियोरी, प्रैक्टिकल्स, सब कुछ। और प्लस हमारे MMA 1 फेडरेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो फिजिकली MMA फाइट्स खुद भी खेले हुए हैं, जो एथलीट्स रह चुके हैं पहले या अभी भी करंटली एथलीट्स हैं, और उनको थ्रू एंड थ्रू एक्सपीरियंस है तमाम तरह के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स का, प्रो भी और एमेच्योर भी। और हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी की, हमने कुछ इंटरनेशनल कोचेस को बुला करके हमने इसकी ट्रेनिंग की और नेशनल कोचेस के साथ भी हमने ट्रेनिंग की। मैंने खुद भी कई सारे ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है और एक बहुत ही सक्षम टीम हमने, एक बहुत ही एफिशिएंट टीम हमने तैयार की है मिक्स मार्शल आर्ट 1 MMA 1 फेडरेशन की ऑफिशिएटिंग टीम को। ओके, मिक्स मार्शल आर्ट्स जो स्पोर्ट्स है इसमें एक तो प्रो लेवल की कैटेगरी है और एक एमेच्योर लेवल की कैटेगरी है, और दुनिया में, पूरे ग्लोब में इसके कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रमोशंस हैं, छोटे बड़े सभी। इसमें सबसे बड़ा जो वर्ल्ड को लीड करता हुआ जो प्रमोशन है वो UFC है, जिस पे सारी दुनिया की नज़रें होती है। और हाल ही में अभी हमारे 2 इंडियन फाइटर्स UFC रोड टू UFC में खेलने के लिए गए हैं, और बड़ी खुशी है हमें इस बात की। और इंडिया में इसकी अवेयरनेस और सिनेरियो बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और डेफिनेटली इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है। आखिरी सवाल, कितनी बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान में इसके अगर बात करें? डेफिनेटली ओके, सर, इंडिया में इस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे तो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है करंटली MMA, और इंडिया में डे बाय डे जैसे कि न्यू प्रमोशंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, डेफिनेटली आधे से ज़्यादा बॉलीवुड आज मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेन भी कर रहा है खुद को, और वो लोग किसी ना किसी माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज सोमनाथ गिरी, आई एम अ चीफ रेफरी MMA 1 फेडरेशन। मैं काफ़ी सालों से MMA की बॉक्सिंग कर रहा हूँ और काफ़ी फाइट्स में ऑफिसिएट किया हुआ है, जिसमें रेफरी, जज, ये सब का जॉब किया, और मैं फ़ाइटर्स भी हूँ। अभी जस्ट सडनली 2 फाइट्स खेला हूँ मैं स्पार्चर्स का 4 तारीख को। मुझे काफ़ी होप है जो कंपनी काफ़ी ऊपर तक जाएगी और काफ़ी इसके फैन फॉलोइंग होंगे, और मुझे काफ़ी खुशी है जो मुझे एक बहुत बड़ा स्पेस मिल रहा है जिसमें मुझे रेफरी जॉब मिल रहा है। हाय, माय नेम इज़ खान अज़र, आई एम अ चीफ कटमैन एंड MMA 1 फेडरेशन। बहुत से लोगों को कटमैन के काम पता नहीं होते, जो मिक्स मार्शल आर्ट फील्ड से काम करते हैं उन्हें पता होता है हु इज़ अ कटमैन, बट आम लोगों को नहीं पता होता है कि कटमैन होता क्या है। तो कटमैन के बहुत से काम होते हैं, जैसे फाइटर्स को वैसलिन करना कि वो ज़्यादा
सीवियर इंजर्ड ना हो, उनको हैंड रैपिंग करना, ऐसे बहुत से कार्यक्रम कटमैन के होते हैं। क्या उम्मीद है इससे आपको? सर, मुझे कटमैन का काम मिला है, इसमें आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू बींग हियर, और मुझे बहुत उम्मीद है और मैं चाहता हूँ स्पोर्ट बहुत आगे जाए, ये फेडरेशन को लेकर हमारी टीम भी बहुत आगे चले, एंड थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोमेश वासुदेव चापेकर है, बेसिकली मैं मुंबई से ही बिलोंग करता हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैं 2012 से अभी तक फाइटर रहा हूँ और कोचिंग भी करता हूँ मैं, साथ में ट्रेनिंग भी देता हूँ। क्या उम्मीद है इससे आपको? जो अभी MMA वन फेडरेशन जो आया है, एक्चुअली वर्ल्ड में MMA स्पोर्ट्स जो है वो ग्रोइंग स्पोर्ट है, सो MMA वन फेडरेशन जो अभी आ रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से MMA फाइटर्स को बहुत आगे जाने के लिए उसमें अच्छा एक्सपीरियंस आएगा सबके लिए, और स्टेज भी बहुत सारे फाइटर्स को मिलेगा। जी जी ज़रूर, हमारे जो फाइटर्स हैं वो पहले तो हिंदुस्तान की मिट्टी पे हम उनको टेस्ट करेंगे, और जैसे ही उनका लेवल बढ़ जाता है या उनका कैपेसिटी, उनका जो यू नो फाइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल मुकाम पे भी तैयार हो जाएंगे। बाहर से कोई न्यूज़ आया, आपको इनविटेशन आया है कि जिसके लिए आपकी और तैयारियां बढ़ गई हों, कि आगे कुछ होने वाले हैं कंपटीशन उसके लिए आप देते हैं? जी जी, बाहर से तो काफ़ी कंपटीशन ऑलरेडी हो रहे हैं, तो हम हमारे देश से ऑलरेडी फाइटर्स जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वो लेवल के फाइटर्स भी ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या हो रहा है अभी कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे फाइटर्स जा रहे हैं बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, वो जीत नहीं पा रहे, वो जा तो रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हम जो फाइटर्स बनाए वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए भी और जीत के हमारे देश का नाम भी रोशन करें। उम्मीद ये है कि इंडिया में इसके प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द खड़े हो, क्या है कि अभी जो फाइटर्स UFC में सेलेक्ट हुए उनको भी UFC के लिए सिंगापुर जाना पड़ रहा है फाइट खेलने के लिए, कभी बाहर कंट्री जाना पड़ता है उनको रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक्सपीरियंस फाइटर लड़ने के लिए, तो हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस फाइटर की कमी है सबसे पहली बात, और इवेंट्स यानी फाइटर्स तो काफ़ी है, यानी कराटे चैम्पियंस है, जूडो है, रेस्लर्स है, तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जो प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है ताकि कि इंडिया में इन सब चीज़ों की प्लेटफॉर्म। आई एम सुरेश मेनन एंड आई एम एक छोटा मोटा एक्टर हूँ, 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, एंड राइट नाउ आई एम द क्रिएटिव एंड कंटेंट हेड ऑफ MX स्टूडियोज़, और मैं यहाँ पर आया हूँ अली भाई, शुजा भाई सबको मुबारकबाद देने के लिए कि इतना इन्होंने शुरू किया है MMA1 एंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर डूइंग अ बिग शो कॉल्ड कुमिटे वॉरियर हंट, और बहुत जल्दी आने वाले हैं ये MX प्लेयर पर, आप लोगों को देखना चाहिए, और ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है विच इज़ नाउ पिकिंग अप, एंड वी आर हैप्पी टू सी कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं, MMA फाइटर्स हैं, जो जिनकी स्टोरी सुन के हम इतने खुश हो जाते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी से क्या किया हुआ है, एंड दिस इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ गोइंग टू रियली पिक अप वर्ल्ड वाइड, ऑलरेडी है लीग्स है, लेकिन कुमिटे वॉरियर हंट इज़ गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक मकसद ये भी है कि ये हमको इस फेडरेशन से हमको बहुत सारे फाइटर्स जो इंडिया में है जो आज भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको सपोर्ट के लिए बहुत सारी दूसरी भी फेडरेशन आई, मैंने सुना मेंबरशिप की और ये वो लेते हैं, ये मेंबरशिप फीस कुछ नहीं लेंगे, हम लोग कुछ ये चार्ज नहीं करें, बस फाइटर को हम प्रमोट करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, बस हमको हीरो बनाना है और MMA को फेमस करना है इंडिया में, ये हमारा एक मोटिव है। तो इंशाल्लाह आगे चल के और बहुत सारे इसमें बड़ी बड़ी चीज़ जुड़ेगी और बहुत सारे इसमें इवेंट्स हो गए, MMA हो गए और ऑल ओवर इंडिया में होगा, इंडिया में भी पूरा वर्ल्ड में, मेरा तो प्लानिंग है कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो आगे हमारा इंशाल्लाह जो मैं करूँगा, जो एक कंट्रीज़ का मैच है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो भी इसमें ही होगा और उसको वर्ल्ड लेवल पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, और आगे चल के सब मिल के एक बहुत बड़ा करेंगे। What is it?
Right, so that is the level of intelligence, or what do you call it, the popularity that this sport unfortunately enjoys in India, right? What I liked about Muhammad Ali, Udwani ji and Shuja Bhai is the fact that they are taking this mantle of making this difficult sport and promoting it at an all India level. And they are not just doing it superficially. Okay, like he rightly said, the format and the shows that he's brought about and the passion with which he's trying to do for the industry, I'm very sure that very soon, I think MMA as a sport, as a combat sport, would gain more popularity, if not equal popularity, as compared to all the other sports. And I wish Shuja Bhai and Ali Bhai all the very best. Thank you. Thank you very much for the opportunity. And एक ही बात कहूँगा दोस्तों, मोहम्मद अली जी से मैं पिछले 2-3 साल से ही कनेक्टेड हूँ, कोई बहुत ज़्यादा 10-15 साल से कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन इस बंदे के अंदर जो एक पैशन थी कि हिंदुस्तान के हर गरीब बच्चे को ये स्पोर्ट समझ में आए. देखो, आप और हम सभी बचपन में मारामारी करके ही आगे आए, तो आपके और हमारे मम्मी पापा ने हर बार किसी न किसी स्कूल टीचर को बुलाया है और कहीं ना कहीं बोला है कि तुम्हारा बच्चा मारामारी करता है. तो हमारे लिए कोई ये नया स्पोर्ट्स नहीं है एक्चुअली, देखोगे है ना. लेकिन शुजा भाई का ये ड्रीम था कि ये वो बच्चे तक जाए कि अगर इसमें भी तुम शामिल हो तो तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो. ठीक है, कल तक सिर्फ क्रिकेट में पैसा था, आज जैसे स्लोली स्लोली अलग अलग स्पोर्ट्स में पैसा आ रहा है. शुजा भाई का ड्रीम है, सॉरी शुजा भाई का ड्रीम है और मोहम्मद अली जी उस ड्रीम के बिगिनर है, क्योंकि ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये राम लक्ष्मण का जोड़ा है हमको. ठीक है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा विजन है, गौर तरफ है, ये बहुत बड़ा विजन है कि हर एक देश के बच्चे को. इसलिए उन्होंने अभी भी बोला कि हमारा एसोसिएशन फ्री में है, हम नहीं चाहते कि कोई पैसा भरे, हमको यहाँ पैसा नहीं कमाना, हमको स्पोर्ट बड़ा करना है. और ये जो विजन इनकी है तो अल्लाह तो इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, ये विजन बहुत बड़ी बात है. थैंक यू वेरी मच. अगर इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या अपने साथ जोड़ रहे हैं तो ये कोई इनके ऊपर एहसान नहीं है, इन्होंने बहुत अपना समय और टाइम दिया है. और आप सब लोग बहुत स्पेशल हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर्स हैं. और फाउंडिंग मेंबर्स का होना फ़ायदेमंद भी है, खुशी की बात भी है, लेकिन जिम्मेदारी की बात भी है. ये फेडरेशन आपकी अपनी है, आपको इसको आगे लेके जाना है, आपको एडवाइस करना है हम सबको. वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप हमसे मिलें, बात करें फरहान के थ्रू डायरेक्ट, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे और इस वॉरियर हंट को और MMA 1 फेडरेशन को हम आगे लेके जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.